आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी जिसका आप एवरी वीक इंतजार करते हैं। वो एम्प्लॉयमेंट के बारे में है वैकेंसीज। हम आपको बता दें, हम ये वीडियोस हर एवरी वीक लेके आते हैं, 2 से 3 वीडियो जॉब्स के बारे में, और सभी लोग इंतजार करते हैं। तो आज फिर से हम एक जॉब वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। तो बहुत जल्दी से हम इस वीडियो को शुरू करेंगे और इस वीक जितनी भी वैकेंसीज होंगी, काफी एक कुछ हजार वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे हम इस बार जो है आपसे। और आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी मिलेंगे जो आपको सूट करेंगी। ये 10th बेसिस, 12th बेसिस, ग्रेजुएट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, PhD, ये सभी को सूट करेंगी। और बहुत जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फर्स्ट क्लास। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज है, डेट इसकी है 19 से 25, 32 पेजेस है टोटल। तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं, पूरी स्टडी करें तभी उस पर वैकेंसीज को अप्लाई करें। तो अब हम बहुत जल्दी से इस वीडियो को शुरू करेंगे, बहुत जल्दी से वैकेंसीज को शुरू करेंगे। तो पहली वैकेंसी है इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर, नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जो लोग भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डेपुटेशन पे वैकेंसीज है, जूनियर अकाउंट ऑफिसर की है, जूनियर अकाउंट्स ग्रुप सी लेवल 4 में है, सीनियर असिस्टेंट ग्रुप सी लेवल 4 में है। ये नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर वैकेंसीज हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 17th नवंबर 2020 है। और उसके बाद हम देखते हैं इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के अंदर वैकेंसीज हैं, न्यू दिल्ली के अंदर, साकेत में इसका ऑफिस है। रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन फाइनेंस एंड डिसिप्लिन। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का फाइनेंस डिसिप्लिन के अंदर सिलेक्शन होना है, रिक्रूटमेंट है। तो मैं इसको बता देता हूं आपको धीरे धीरे। वन वैकेंसी है, अप टू 55 ईयर्स एज तक वो एज होनी चाहिए। E9 लेवल की वैकेंसी है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या फाइनेंस डायरेक्टर की वैकेंसी है। 1.5 लाख से 3 लाख से सैलरी है इसकी, 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में सैलरी है। एक ही वैकेंसी है और E8 लेवल का इसमें पे स्केल है। सबसे अच्छी बात यह है, बहुत अच्छा पे स्केल है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ ICA, इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया का, डिजायरेबल MBA फाइनेंस और अदर इक्विवेलेंट होनी चाहिए। फिर चलते हैं NHPC के अंदर वैकेंसीज है, ट्रेनिंग अफसर HR की है, ट्रेनिंग अफसर फाइनेंस की है। तो जो लोग भी जानना चाहते हैं इसको पूरी स्टडी करें। और फिर चलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के अंदर वैकेंसी, पवाई के अंदर, मुंबई में है ये वैकेंसीज। इसके अंदर September 9 को लिंक खुल जाएगा, October 10 तक रहेगा। इसका एग्जाम January 17 को रहेगा, संडे को 9 to 12 के बीच में है। तो ये एडमिशन टेस्ट है बेसिकली। तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हों डिजाइनिंग के अंदर, जो UCEED के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, वो कर सकते हैं अप्लाई। और फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEMT के अंदर है, UIDAI के अंदर वैकेंसीज हैं। इसके अंदर डिप्टी डायरेक्टर टेक्नोलॉजी की वैकेंसीज हैं UID के अंदर। डाटा सेंटर मानेसर के अंदर जो डाटा सेंटर है, डाटा सेंटर हरियाणा में, उसकी वैकेंसी है। और जिसको भी सूट करती है वो पूरा देख सकते हैं। डिप्टी डायरेक्टर टेक्नोलॉजी पे मैट्रिक्स लेवल 11 के वैकेंसी है, 67,000 से लेके 2,08,000 के बीच में है ये। और जिसकी लास्ट डेट 30th सितंबर रहेगी। पहले कई बार ये डेट दी जा चुकी है, बट वो शायद भर नहीं पाई, इसलिए उन्होंने इसको एक्सटेंड किया है 30th सितंबर तक। तो पूरा इसको देख करके आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भुवनेश्वर के अंदर वैकेंसी है। 16 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है, 1 सितंबर को एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ है। फाइनेंस ऑफिसर के लिए वैकेंसी है, FO पे लेवल 7th पे कमीशन के हिसाब से है, 13A के अंडर। इसकी जो लेवल पे मैट्रिक्स है 13A के अंडर है, FO यानी फाइनेंस ऑफिसर की वैकेंसी है। मास्टर डिग्री विद 55 डिसिप्लिन, 55% होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें कि 5 ईयर जो है डिप्टी रजिस्ट्रार का होना चाहिए, और 56 ऑन द लास्ट डे होना चाहिए, कम से कम एज होनी चाहिए। एक ही वैकेंसी है, सबसे अच्छी बात यही है, एक ही वैकेंसी है। आगे चलते हैं, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के अंदर भी वैकेंसी है, रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन एंड लाइब्रेरियन, यही वैकेंसीज हैं।
तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 16 अक्टूबर है, 5 PM तक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के अंदर वैकेंसीज हैं। सीनियर साइंटिस्ट की 3 वैकेंसी है, साइंटिस्ट एंट्री लेवल पोस्ट 1 वैकेंसी है। तो आप इसको थोड़ा विजिट करके देख सकते हैं। फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर वैकेंसीज है। इसमें असिस्टेंट की वैकेंसी 2 है, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी 1 है। ग्रेजुएशन इन आर्ट होना चाहिए, कॉमर्स मैनेजमेंट कुछ भी हो सकता है, साइंस कंप्यूटर में भी हो सकता है। इसमें रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, दोनों ही इसमें होना है, रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का भी ऐसे 2 लेवल रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, रिटन टेस्ट है, स्किल टेस्ट है। इसके अंदर ग्रेजुएशन होना चाहिए, आर्ट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, साइंस कंप्यूटर होना चाहिए, फर्स्ट क्लास डिजायरेबल है बाय एनी यूनिवर्सिटी होना चाहिए। और एज लिमिट इसके अंदर 18 to 26 होना चाहिए, 5 अक्टूबर तक होनी चाहिए। तो पूरी जानकारी आप ले सकते हैं इसमें। ऑनलाइन डेट फॉर सबमिशन ये पूरा पढ़ लेते हैं हम इसको। ऑनलाइन ओपनिंग हो चुकी है 2 सितंबर से, क्लोजिंग डेट इसकी 5 अक्टूबर है। और सारा इसमें प्रोसेस समझाया गया है, आप तो फिर से इसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है। मेघालय के अंदर वैकेंसीज है, उमियम एक जगह है जहां मेघालय के अंदर, जहां पे ये वैकेंसी है। अब आगे बढ़ते हैं, कृषि एवं कल्याण किसान कल्याण मंत्रालय के अंदर एक वैकेंसी है, वैकेंसी सर्कुलर है। स्कीम ऑफिसर है, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी गजिस्टेड नॉन मिनिस्टर पोस्ट है इसमें। तो आप जिसको ये सूट करते हो पूरा पढ़ सकते हैं और इस पर जानकारी ले सकते हैं। फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एक वैकेंसी है, मेडिकल सोशल वर्कर MSW ग्रुप बी के अंदर नॉन रजिस्टर्ड नॉन मिनिस्ट्रियल वैकेंसी है। 35,400 स्केल से 1,12,000 के पे स्केल पर है, तो इसको पढ़ सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। एंड्री यूल एंड कंपनी लिमिटेड के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है, राजेंद्र प्रसाद सरनी कोलकाता के अंदर है वैकेंसी। इसके अंदर देखते हैं क्या क्या वैकेंसीज हैं। पोजीशन है डिप्टी मैनेजर पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन E3, असिस्टेंट मैनेजर पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन E2, एक वैकेंसी है। और पे मैट्रिक्स इसका हम देखते हैं किस पे मैट्रिक्स पे है। मिनिमम एज 40 और 35 ईयर्स हो सकती है इसकी एज। दूसरी वैकेंसी है चेन्नई तमिलनाडु के अंदर ही है, लोकेशन जो है के अंदर वैकेंसी है, ये एक ही वैकेंसी है। तो पूरा आप देख सकते हैं, चेन्नई के अंदर वैकेंसी है, पूरा जा सकते हैं। मिश्र धातु निगम लिमिटेड के अंदर वैकेंसीज हैं, जूनियर आर्टिशन की है, जूनियर आर्टिशन प्रोडक्शन 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 एक एक वैकेंसीज है। रोहतक के अंदर प्रोजेक्ट है, तो जिसको भी सूट करती हो, SSC होना चाहिए, 10th होना चाहिए, ITI होना चाहिए, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसमें दिया हुआ है। 10th बेस वैकेंसी है बेसिकली, बट ITI होना चाहिए विद द 2 ईयर्स होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए CNC फाइबर कटिंग मशीन के ऊपर एक्सपीरियंस, दूसरी बैलिस्टिक पैनल मोल्डिंग हाइड्रोलिक प्रेस पे होना चाहिए। तो जिस पोस्ट से रिलेटेड है उसमें इसका एक्सपीरियंस होना बहुत ही जरूरी है। अभी हम बहुत सारी वैकेंसीज के बारे में आपको बताते रहेंगे, देखते रहिए पूरा वीडियो, क्योंकि काफी वैकेंसी आने वाली है, बहुत ज्यादा वैकेंसी के लेवल में आने वाला है। तो हम आपको बताएंगे CSIR सेंट्रल साल्ट एंड मैरिन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर के अंदर, भावनगर गुजरात के अंदर वैकेंसीज हैं ये। और टेक्निकल असिस्टेंट की एक वैकेंसी Level 6 पे मैट्रिक है इसमें, टेक्निकल असिस्टेंट एक और वैकेंसी है Level 6 है। और इसमें सैलरी भी मेंशन है, देख पाएंगे सैलरी भी मेंशन है, 49,188 के अंदर है। एज भी 28 ईयर है। टेक्नीशियन की वैकेंसी, टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, एक एक वैकेंसी है। तो आप इसको देख सकते हैं पूरे एडवर्टाइजमेंट को। और इनकी वेबसाइट है www.csmcri.residencers.in पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन रबर मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च एसोसिएशन थाने के अंदर वैकेंसी है, एक ही वैकेंसी है, असिस्टेंट डायरेक्टर कमर्शियल की, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये।
50 इयर्स तक एज इसकी रिलैक्सेशन है, 60% मार्क और इक्विवेलेंट कम्युलेटिव सीजीपीए इन क्वालिफाइंग एग्जाम फॉर रिजर्व कैटेगरी। रिलैक्सेशन मार्क्स विल बी एप्लीकेबल एज पर डीओपीडी गाइडलाइंस। एमकॉम सीए आईसीडब्ल्यू होना चाहिए इस क्वालिफिकेशन है। तो पूरी जानकारी के लिए आप रेफर कर सकते हैं पेपर को। 23 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, तो उसको भी देखा जा सकता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिर से देखते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगी गई है। 30 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट 3 अक्टूबर है, डाउनलोडेड एप्लीकेशन के साथ में। एंड नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी ऑफ ₹1,000 थ्रू ऑनलाइन फ्रॉम द कैंडिडेट ऑफ जर्नल एंड ओबीसी कैटेगरीज फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट। नो एप्लीकेशन फी शैल बी चार्ज फ्रॉम द कैंडिडेट ऑफ एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूएस कैटेगरीज। तो ये ₹1,000 की फीस है इसके अंदर। और हम वैकेंसीज बता देते हैं इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। डायरेक्टर की एक वैकेंसी है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट एमएस की एक है, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट की एक है, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट की भी एक वैकेंसी है। तो पूरा इसको हम रेफर कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं। इसमें www.bhu.ac.in/rac पे हम अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम धीरे धीरे काफी वैकेंसीज को हम कैच कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर फिर जाते हैं, वॉक इन इंटरव्यू फॉर जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है। और वॉक इन इंटरव्यू सबसे अच्छी बात यही है, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर 75,000 पे स्केल है। इसमें डॉक्टर्स के लिए वैकेंसी है, सीआईएसएफ 7th आरबी किशेश्वर जम्मू कश्मीर के अंदर 2 है, सीआईएसएफ 8th आरबी जयपुर के लिए 1 है, तमिलनाडु में 1 है, छत्तीसगढ़ के अंदर 1 है, राजस्थान में 1 है, उड़ीसा के अंदर है। टोटल 7 वैकेंसीज हैं। और उसके बाद और भी वैकेंसी है, एनडीआरएफ 3rd मंडाली कटक के अंदर 3 वैकेंसीज हैं, एनडीआरएफ 4th बटालियन अराकोणम तमिलनाडु के अंदर है, वेलूर में 4 वैकेंसी, टोटल 7 वैकेंसीज भी हैं ये। हम और आगे चलते हैं, इसमें सीनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है लेवल 12 जो पे स्केल पे है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर के अंदर वैकेंसी है। एमटेक या एमई होना चाहिए इसके लिए, उसको भी देखा जा सकता है। राइट्स लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस है, इसके अंदर जो ज्वाइंट जनरल मैनेजर इलेक्ट्रिकल की 2 है, डिप्टी जनरल मैनेजर 2 है, जीएम सिविल मेट्रो पोर्ट्स रेलवे डिवीजन के अंदर भी 4 वैकेंसी हैं। तो टोटल देखें तो हम ज्वाइंट जनरल मैनेजर की 2 है, डिप्टी जनरल मैनेजर 2 है, जनरल मैनेजर सिविल 5 है वैकेंसी इसके अंदर। तो बीई बीटेक होना चाहिए इसके अंदर, इलेक्ट्रिकल या सिविल के अंदर एज पर द डिजायर्ड क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और फिर हम आगे चलते हैं धीरे धीरे वैकेंसीज को कवर करते हुए। इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट रैली होने जा रही है, बहुत अच्छी, बंगाल के अंदर ये भर्ती होने जा रही है। रिक्रूटमेंट रैली ऑफ यूनिट हेडक्वार्टर कोटा ऑफ रिक्रूटमेंट इनटू बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप एंड सेंटर्स रुड़की के अंदर वैकेंसी है। फॉर द सन्स ऑफ सर्विसमैन एक्स सर्विसमैन वॉर वॉरियर्स एंड रियल ब्रदर ऑफ सर्विसमैन एक्स सर्विसमैन एंड स्पोर्ट्समैन ऑफ इंटरनेशनल नेशनल लेवल इज शेड्यूल्ड इन द फॉलोइंग डेट सेट्स एंड सेंटेनरी पवेलियन ग्राउंड बंगाल इंजीनियर ग्रुप्स एंड रुड़की के अंदर वैकेंसी है। 5th अक्टूबर से 8th अक्टूबर के बीच में है। टाइटल ऑफ इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्समैन ओनली ये अप्लाई कर सकते हैं जो इंटरनेशनल नेशनल और इंटरनेशनल खेल चुके हैं। बास्केटबॉल और फुटबॉल में 5th अक्टूबर को ट्रायल है, 6th को वॉलीबॉल एंड हॉकी का ट्रायल है, 7th को हैंडबॉल एंड एथलेटिक्स का ट्रायल है, 8th अक्टूबर को रोइंग फेंसिंग एंड कैकिंग कैनोइंग का, 8th अक्टूबर को रोविंग फेंसिंग एंड केइंग कनोइंग का है। इसके बाद 16th नवंबर को उत्तर प्रदेश के अंदर रैली है, 17th को पंजाब में है, 18th को हरियाणा जम्मू एंड हिमाचल प्रदेश के अंदर है, 19th को उत्तराखंड राजस्थान बिहार आसाम वेस्ट बंगाल दिल्ली के अंदर है, और 19th नवंबर 2020 कर्नाटक आंध्र तमिलनाडु मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र और अबाउ स्टेट। तो
तो ये सारी वैकेंसीज हैं। इसमें एज सोल्जर जो जीडी है वो 17.5 साल से 21 साल के बीच में है, मैट्रिक होना चाहिए, 45% मार्क्स होना चाहिए, और सोल्जर टेक्निकल के अंदर जो वही वैकेंसीज हैं 7.5 से लेकर 23 तक एज होनी चाहिए इसके अंदर, 10+2 या इंटरमीडिएट होना चाहिए एग्जाम इन साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड इंग्लिश विथ 50% मार्क्स, एग्रीगेट 40 होना चाहिए इसके अंदर। सोल्जर टीडीएन 10th एंड 8th, एज 17.5 से 23 हो सकती है, क्लास 10 और 8th सिंपल पास होना चाहिए। सोल्जर CISKTIM यानी ओनली सन्स ऑफ सर्विसमैन एक्स सर्विसमैन विडोज वॉर विडोज एंड रियल ब्रदर ऑफ सर्विसमैन एक्स सर्विसमैन, एज वही है 17.5 से 23 तक, 10+2 होना चाहिए इसके अंदर। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है। अब पूरी जानकारी अगर आपको लेनी है तो www.joinindianarmy.nic.nic.in पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं, और इसमें एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है 01333227-5652 पर जाकर पूरी जानकारी ली जा सकती है। इसमें बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं आर्मी भर्ती के लिए, पूरे इंडिया को कवर किया जा रहा है, तो जो लोग 10th या 12th हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। आर्मी के अंदर एक आरएमओ की वैकेंसी है यहाँ पर, इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट शिलोंग के अंदर है, मयूरभंज कॉम्प्लेक्स शिलोंग के अंदर है, एक वैकेंसी लेवल 10 की वैकेंसी है। दिल्ली जुडिशियल एकेडमी के अंदर रिसर्च एसोसिएट की एक वैकेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर एक है, कुछ वैकेंसीज हैं। सारी वैकेंसीज को हम देखते चल रहे हैं, बहुत एक एक वैकेंसीज है, तो आप इसको पूरा पेपर को पढ़ सकते हैं और जो वैकेंसी आपको सूट करे आप उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट के अंदर एक वैकेंसी है, तेजपुर आसाम के अंदर वैकेंसी है। रिसर्च एसोसिएट की 2 वैकेंसीज है, रिसर्च एसोसिएट 2 है, रिसर्च एसोसिएट 1 है। पे लेवल 7 7 पे है ये, 44,900 से लेके 1,42,400 के अंदर वैकेंसीज हैं इसके अंदर। फिर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर भी एक ऑडिटर की वैकेंसी है, देख पा रहे हैं एक ऑडिटर की वैकेंसी है, ग्रुप सी नॉन रजिस्टर्ड मिनिस्ट्रियल है, तो जिसको सूट करे वो अप्लाई कर सकता है इसमें। ये वैकेंसीज बहुत अच्छी, हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश जबलपुर के अंदर सिविल जज क्लास 2 एंट्री लेवल वैकेंसीज हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर स्टार्ट होने वाली है, लास्ट डेट 5 नवंबर रहेगी, स्टार्टिंग डेट ऑफ एडिटिंग एप्लीकेशन अगर कोई एडिट करना चाहे तो 10 नवंबर के बाद कर सकते हैं अप्लाई एडिट, लास्ट डेट वो अप्लाई एडिट करने की वो 12 नवंबर रहेगी, और डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन वो बाद में बताया जाएगा, डेट ऑफ मेन एग्जामिनेशन भी बाद में बताया जाएगा, बिकॉज अभी तक बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्लेरिफाई नहीं हो सकती क्योंकि समय इस तरीके का है कि नहीं चल कह पा रहे। ऑनलाइन एप्लीकेशन केवल मांगी जा रही है इसके अंदर, लेकिन सबसे अच्छी बात यही है कि वैकेंसीज काफी हैं, 192+60 252 वैकेंसीज हैं सिविल जज की क्लास 2 एंट्री लेवल पर फॉर एलिजिबल कैंडिडेट। बैकलॉग पोस्ट भी हैं इसके अंदर, और पे स्केल हम बता देते हैं 27,700 का पे स्केल है, और कुछ अलाउंसेस भी इसके अंदर जुड़ते हैं काफी। और किसी को अगर पूरी जानकारी www.mphc.gov.in पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं, और एम्प्लॉयमेंट न्यूज को भी पूरी तरीके से पढ़ें तथा इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी फिर से दिखा देते हैं, हाईकोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश जबलपुर के अंदर है, सिविल जज क्लास 2 एंट्री लेवल वैकेंसीज है। फिर मैनेजर फाइनेंस है, ये वैकेंसी है अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही ये डिपार्टमेंट है।
रिसर्च एसोसिएट, सीनियर रिसर्च एसोसिएट, ICER, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ MEAT के अंदर वैकेंसीज हैं। अगर इधर देखते हैं, रीडर एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज है, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ के अंदर वैकेंसीज हैं। रीडर एसोसिएट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी के अंदर एक है, रीडर एसोसिएट प्रोफेसर फॉरेंसिक साइंस के अंदर एक है। ये वैकेंसी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर में है, न्यू दिल्ली के अंदर है। जूनियर मैनेजर सीनियर एग्जीक्यूटिव HR, टू वैकेंसीज हैं, तो जिसको सूट करती है कैंडिडेट को वो देख सकते हैं इसमें। ये छोटी छोटी वैकेंसीज भी हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी के अंदर है, वैकेंसी नोटिफिकेशन दी हुई है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की एक है, चीफ जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर ऑफिसर, डिप्टी जनरल मैनेजर ऑफिसर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, मैनेजर ऑफिसर, ये सारी कुछ टोटल 42 वैकेंसीज हैं इसके अंदर, 41 वैकेंसीज हैं, 1111 काफी वैकेंसीज को उन्होंने बाद में नीचे क्लेरिफाई किया हुआ है, कैपिटल मार्केट ऑपरेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, और बहुत ही अच्छे पे स्केल पे हैं ये सारी अगर देखें तो जो इसकी लास्ट डेट भी 7 अक्टूबर है, 7 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो www.dea.gov.in पर जाकर इसकी पूरी जानकारी ली जा सकती है। तो आज हमने आपको काफी वैकेंसीज के बारे में बताया था, ये वैकेंसीज हैं, और आपने अगर वीडियो पूरा देखा है और आपको वीडियो पसंद आया है, और आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।